जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज फिर हम राशियों के आगे तत्वों की और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। आप में से बहुत से लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, बहुत से लोग धन्यवाद करते हैं। मैं आप सब लोगों का उल्टा धन्यवाद करता हूँ कि आप देख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी ज्योतिष विद्वान आता है वो कुछ भी आपको अनाउंसमेंट्स गोचर बोल के चला जाता है और एक आम जातक की समझ में कुछ नहीं आता। मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर आप 15 मिनट इस प्रोग्राम को देखें तो आप इससे सीख कर कुछ ना कुछ उठें और कुंडली का विवेचन करना खुद सीख ज़रूर जाएं। तो कल हमने राशियों की, मूल त्रिकोण राशियों की बात की थी, आज उससे अगले स्टेप में बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि हर चीज़ का इस सृष्टि में कोई ना कोई तत्व ज़रूर होता है। उसी तरह से हर राशि का एक तत्व ज़रूर होता है, हर राशि का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होता है, वो उसी हिसाब से अपना बिहेवियर देती है। अगर आप राशियों के तत्व को नोट करना चाहें तो कृपया नोट करना शुरू कर दीजिए। पहली राशि यानी एरिज राशि, सिंह राशि यानी लियो राशि, सेजिटेरियस यानी धनु राशि, यानी 1, 5, 9। मैं भावों की बात नहीं कर रहा, मैं राशियों की बात कर रहा हूँ। ये बोर्ड सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि आप जल्दी समझ पाएं। पहली राशि एरीज, पांचवी राशि लियो, नौवीं राशि सेजिटेरियस, ये तीनों ही राशियाँ अग्नि तत्व राशियाँ मानी जाती हैं, यानी ये फायरी राशियाँ, इंग्लिश में इसको फायरी कहा जाता है, हिंदी में ये अग्नि तत्व राशियाँ कही जाती हैं। 2, 6 और 10 यानी वृष राशि टॉरस, 6 नंबर विर्गो राशि और 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, ये तीनों राशियाँ पृथ्वी तत्व राशियाँ मानी जानी है, यानी अर्थी राशियाँ मानी जाती हैं। पृथ्वी तत्व यानी डाउन टू अर्थ रहने वाले प्राणी। आगे बात करते हैं 3, 7 और 11 यानी मिथुन राशि, जेमिनाय, लिब्रा यानी तुला, एक्वेरियस यानी कुंभ, ये तीनों राशियाँ वायु तत्व राशियाँ मानी जाती हैं, यानी एयरी राशियाँ, वायु इनमें ज़्यादा होती है या वायु के कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें अवश्य होते हैं। 4, 8 और 12 चार नंबर कैंसर यानी कर्क राशि, 8 नंबर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि, 12 नंबर पाइसिस यानी मीन राशि। 4, 8 और 12 ये तीनों राशियाँ जल तत्व राशियाँ मानी जाती हैं। ध्यान से प्रिय दर्शकों फिर बोलता हूँ, नोट कर लीजिए। 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशि, 2, 6 और 10 पृथ्वी तत्व राशि, 3, 7 और 11 ये वायु तत्व राशि, 4, 8 और 12 ये जल तत्व राशियाँ मानी जाती हैं। जातक के कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स इन लग्न की राशियों के हिसाब से उसमें अवश्य होते हैं। उसका पर्सनैलिटी का निर्धारण करते वक्त आपको हमेशा ये दिमाग में रखना होगा कि उसकी राशि में तत्व कौन सा है। अगर 1, 5, 9 देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा गुस्से वाला प्राणी होता है, जिसको हम पंजाबी में अक्सर कुंडली देखते कहते हैं ये थोड़ा जी पड़कू चंद है। क्यों? क्योंकि इन्हें गुस्सा ज़रा ज़्यादा जल्दी आ जाता है, क्योंकि ये एक अग्नि तत्व राशियाँ गिनी जाती हैं, एरिज, लियो एंड सेजिटेरियस यानी मेष, सिंह और धनु। जो 2, 6 और 10 होती हैं ये पृथ्वी तत्व राशियाँ होती हैं, ये जातक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। ये जितने मर्जी बड़े हों लेकिन इनमें बड़प्पन ये होता है कि ये अपनी बढ़ाई कभी नहीं करते, ये पृथ्वी तत्व राशियाँ होती हैं यानी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, जिन्हें हम अक्सर लोग कहते हैं। 3, 7 और 11
ये वायु तत्व राशियां होती हैं, ये हवाई किले ज़रा जल्दी बना लेते हैं, एक्सपेक्टेशन दूसरों से जल्दी रख लेते हैं, छोटी सी बात होती है तो अगर 100 रुपये का फ़ायदा हुआ ये हज़ारों का पहले ही फ़ायदा सोच के बैठ जाते हैं। ये इस किस्म का कैरेक्टर इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता ज़रूर है, किसी में बहुत कम होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, वो ग्रहों की प्लेसमेंट भी उससे डिसाइड करती है कि ये तत्व उनमें कितना है, लेकिन तत्व कहीं ना कहीं ज़रूर होता है क्योंकि ये राशियों का बेसिक तत्व है। यानी 3, 7 और 11 इनमें वायु तत्व अवश्य होता है। 4, 8 और 12 यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनमें जल तत्व होता है। गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास, जिसके साथ मिल गए ये वैसा ही बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि जल है, जल का अपना वजूद कोई नहीं होता, जल निरंतर चलता रहता है और जहाँ से जैसा कैरेक्टर मिला, मान लीजिए जल चल रहा रास्ते में या पत्थर रख दो तो जल वहाँ से घूम के चलना शुरू हो जाए। तो एक दोस्त के साथ घर से निकले, आगे कोई और मिल गया, उसके साथ कहीं और चले गए, आगे कोई और मिल गया तो उसके साथ कहीं और चले गए, तो ये टिकने वाले प्राणी ज़रा कम होते हैं, इनमें जल तत्व कहीं ना कहीं होता है। इनके डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रहती है, कहीं ना कहीं ये फिकल माइंडेड ज़रूर होते हैं, ये कभी पूर्णतः स्टेबल नहीं माने जाते, लेकिन इनके ग्रहों की प्लेसमेंट बाद में डिसाइड करती है कि इनमें तत्व कितना अच्छा या कितना बुरा है या कैरेक्टरिस्टिक्स पूर्णतः इनमें क्या बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा राशियां 4 किस्म की होती हैं, अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि और जल तत्व राशि। आप इसको नोट कर लीजिए, एज इट इज़ ही इसको याद करना है, आपको दिमाग में रखना है ताकि कुंडली का विवेचन करते समय अपनी राशि को ध्यान में रख लीजिए या उस सामने वाली कुंडली जिसका आप विवेचन कर रहे हैं उसकी राशि ध्यान में रखिए, उसके तत्व अगर आपको याद होंगे तो कुंडली का विवेचन करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे अगली बात प्रिय दर्शकों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राशि, ये तो हो गए तत्व ऑफ राशि, जो अभी हमने पढ़ा वो थे तत्व ऑफ राशि, राशि के कौन कौन से तत्व होते हैं। इसके बाद आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता या स्वभाव राशि का क्या होता है, वो भी प्रिय दर्शकों अलग अलग होते हैं। राशियों के स्वभाव 3 किस्म के माने जाते हैं। पहली मानी जाती है चर राशि, दूसरी मानी जाती हैं स्थिर राशियाँ, तीसरी मानी जाती हैं द्विस्वभाव राशियाँ। पहली चर राशि, चर राशि में कौन सी 4 राशियां आती हैं नोट कर लीजिए, मेष राशि, कर्क राशि, कैंसर, लिब्रा यानी तुला राशि, मकर यानी कैप्रिकॉन राशि। ये 4 राशियां अगर एक भी इनमें से लग्न में आ जाए तो ये चर लग्न की कुंडली मानी जाती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लगी है, यहाँ 1 नंबर की कुंडली लगी है तो ये चर लग्न की कुंडली आ गई। अगर कर्क लग्न की कुंडली यहाँ लगी होती या तुला की लगी होती या कैप्रिकॉन लग्न की कुंडली बनती, यानी पहले भाव में 4 नंबर लिखा होता, 7 लिखा होता या 10 नंबर भी लिखा होता तो भी ये चर लग्न की कुंडली बनती। चर लग्न की कुंडली में एक खासियत मानी जाती है कि वो सदा चलायमान रहते हैं, वो एक जगह टिकने वाले प्राणी नहीं होते, एक सोच खत्म नहीं होती दूसरी शुरू, एक काम खत्म किया तो दूसरा शुरू कर लिया, दूसरा काम खत्म किया तो तीसरा शुरू कर लिया, वो सदैव निरंतर चलना पसंद करते हैं। ग्रहों की प्लेसमेंट हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी आपको डिटेल में ज़रूर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप राशियों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर लीजिए ताकि कुंडली विवेचन में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सके। तो मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, यानी ये 4 जो केंद्र में पड़ी हैं, जो मैंने पहले आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, तो अगर मेष, कर्क, तुला और मकर हो तो वो लग्न कुंडली चर लग्न कुंडली बनी, यानी चर राशि की लग्न कुंडली बनी। इससे आगे बढ़ते हैं प्रिय दर्शकों, अगर लग्न में 2 नंबर 5 नंबर 2 नंबर यानी टॉरस राशि, 5 नंबर यानी सिंह राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक और 11 नंबर यानी कुंभ राशि, अगर ये राशियाँ 2, 5, 8 और 11 आपके लग्न में हो, यानी लग्न में 2 नंबर लिखा हो, लग्न में 5 नंबर लिखा हो,
लगन में 8 नंबर लिखा हो या लगन में 11 नंबर लिखा हो तो आपकी स्थिर राशि हो गई। स्थिर राशि का मतलब स्टेबल राशि, जहां अड़ गए वहां अड़ गए, जहां बैठ गए वहीं बैठ गए, जहां जो काम करते हैं उस काम को खत्म करने के बाद वो वहीं रुक जाता, अपना एक डिसीजन ले लिया उसी डिसीजन पे स्थिर रहते हैं, चाहे फिर वो गलत हो चाहे वो ठीक हो, वो इसका विवेचन या इसका निर्णय पर बार बार दोबारा उस पर डिस्कशन नहीं करते। स्थिरता होती है उनके एक डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन पहले बहुत सोच समझ के लेंगे, फिर जहां अड़ गए वहीं अड़ गए, वो अपनी स्थिरता हमेशा उसमें कायम रखते हैं अपने डिसीजन में। तो 2, 5, 8 और 11 टॉरस राशि, लियो राशि, स्कॉर्पियो राशि और कुंभ राशि में सदैव स्थिरता का प्रभाव माना जाता है। ये चारों राशियां स्थिर मानी जाती हैं। अगर लगन में पड़े हों तो हम कह सकते हैं ये स्थिर लगन की कुंडली है। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर अगर पहले भाव में पड़े हो तो हम ये कहेंगे कि ये स्थिर लगन की कुंडली है। इससे आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों, 3 नंबर यानी मिथुन राशि, 6 नंबर यानी कन्या राशि, 9 नंबर यानी धनु राशि और 12 नंबर यानी मीन राशि। अगर आपकी लगन कुंडली में यहाँ 3 नंबर लिखा हो, यहाँ 6 नंबर लिखा हो, यहाँ 9 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो, तो इन चारों राशियों को सदैव आप द्विस्वभाव कुंडली कहते हैं। द्विस्वभाव मतलब ड्यूअल कुंडली, यानी जो काम अच्छा लगा वो किया, जो काम नहीं अच्छा लगा वो नहीं किया, यानी इन पर आप कुछ भी थोप नहीं सकते। ना तो ये कभी एक जगह टिकते हैं, ना ही कभी एक डिसीजन पे रहते हैं, ये हमेशा अपना डिसीजन जो ठीक लगे उसके अकॉर्डिंगली बदल देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से सोच के चले हैं कि हमें 15,000 की चीज़ खरीदनी है, वहाँ जाकर इन्हें 10,000 की चीज़ पसंद आ जाए या 18,000 की चीज़ पसंद आ जाए, तो ये अपने डिसीजन में बहुत जल्दी बदलाव ले आते हैं। वो चीज़ द्विस्वभाव गिनी जाती है। वो द्विस्वभाव राशि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो आज आपने जाना अग्नि तत्व राशियाँ, पृथ्वी तत्व राशियाँ, वायु तत्व राशियाँ और जल तत्व राशियाँ। उसके बाद मैंने आपको बताया कुंडली के जो विशेषता होती है वो लगन कुंडली की कुछ विशेष राशियां होती हैं, यानी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। दर्शकों ये एज इट इज़ ही नोट करते चले जाइए, आपको ये ऐसे ही याद करनी है। ऐसे ही याद करते चले जाएंगे छोटे छोटे बेसिक्स, तो खुद घर बैठे स्वयं एक अच्छे ज्योतिषी, एक अच्छे कैलकुलेट करने वाले खुद की कुंडली को ज़रूर बन जाएंगे। याद रखिएगा, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आपको डिसीजन लेने में, कुंडली का विवेचन करने में, किसी जातक का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। आप कुंडली देखते ही कह सकते हैं अच्छा ये जल राशि वाला प्राणी है, इसके तो जी डिसीजन मेकिंग में कमी आती होगी। ये अग्नि राशि वाला अग्नि तत्व का प्राणी है तो ये जल्दी भड़क जाता होगा, तो जातक एक सेकंड में कहेगा हाँ जी आपने जरा सी कुंडली देखते ही बता दिया। तो ये आपकी कैलकुलेशन करने में सदैव सहायक सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए, जिनका बना हुआ मकान ना बिकता हो, जिनका बना हुआ मकान बिकने में या लेने में प्रॉब्लम्स आ रही हो, क्योंकि बना हुआ मकान साक्षात शनिदेव गिने जाते हैं, तो उसको शनि चालीसा रोज रात को सोने से पहले एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए और शनिदेव के आगे प्रणाम करना चाहिए, ताकि बना हुआ मकान जो साक्षात शनिदेव होता है, आपका शनि चालीसा पड़ा हुआ उससे निकलने का ईजिली आपको रास्ता दे दे। प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.